हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका भी श्री सब कुछ चैनल में। मेरा नाम है बसीराम माथ खान, आया हूँ फिर से एक प्लम्बिंग का रिपेयरिंग वाला वीडियो लेकर। दोस्तों ये भी रिपेयरिंग वाला, यानी जो टॉयलेट में मेड्रोबॉल लगता है वो रिपेयरिंग कैसे होता है, उसमें लीकेज हो जाता है तो क्या एक्चुअली में वो रिपेयरिंग होता है। देखिए, रिपेयरिंग बहुत तरीका का होता है। मेड्रोबॉल जो है उसमें ग्लान लीकेज होता है, अंदर से पानी टपक के मेड्रोबॉल जो टॉयलेट होता है उसमें कंटिन्यू पानी बहे ना, वो एक रिपेयरिंग होता है। तो वो जो है रिपेयरिंग होता है, लेकिन हर मेड्रोबॉल नहीं हो जाता है, कुछ कुछ मेड्रोबॉल में प्रॉब्लम होता है। तो जो जो प्रॉब्लम है वो चीज आप लोगों को बताऊंगा और आप लोगों को जरूर पता चल जाएगा, मतलब क्या क्या रिपेयरिंग होना चाहिए, क्या क्या मिस्टेक हो जाता है तो रिपेयरिंग होएगा, ऐसे कि नहीं। जो इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारा चीज पता चल जाएगा, बहुत सारा चीज पता चलेगा, कुछ बाकी रह जाएगा, क्योंकि जो प्रॉब्लम नहीं हुआ है वो तो मैं आपको एक्स्ट्रा नहीं इधर बता पाऊंगा, आप लोगों को ज्यादा दिक्कत हो जाएगा समझने में। तो इसमें जो प्रॉब्लम हुआ है उसके साथ साथ जो बताने वाला हूँ उस सब चीज को ध्यान दीजिएगा। बाकी अगर कभी फिर मेट्रोबॉल का ऐसा रिपेयरिंग वीडियो आता है, दूसरा कोई प्रॉब्लम होता है उसके साथ, तब वीडियो बनाऊंगा, तब देखिएगा, ठीक है। और एक्चुअली में इस सब जो लीकेज हो जाता है, एक चीज बता देता हूँ, इधर लीकेज तो होता है लेकिन बहुत जगह में क्या होता है, लीकेज होने के बाद रिपेयरिंग अगर हो भी जाता है तो रिपेयरिंग करते नहीं है, मेट्रोबॉल चेंज कर देते हैं इन जो उसका पार्ट्स होता है इनसाइड। क्यों? क्योंकि लास्ट में बताऊंगा, सबसे पहले देख लीजिए रीजन है, प्लम्बर चेंज इसलिए नहीं करते, देख लीजिए पहले। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो इसमें जो है कंटिन्यू वो लीकेज चालू है, मतलब ये जो लीकेज है ये आप मुझे रिपेयरिंग करना पड़ेगा। पहले तो देखना पड़ता है मेट्रोपोल जो है उसे खोल कर देखना पड़ता है उसमें प्रॉब्लम है या सही है, सिर्फ कुछ प्रॉब्लम की वजह से लीकेज हो रहा है। तो उस सब चलिए आप लोगों को दिखाते हैं जल्दी से जल्दी, ज़्यादा मतलब टाइम ना लेते हुए, ओके। तो सबसे पहले क्या है, मैं अपर पार्ट्स इसका जो खोल चुका हूँ, इसमें सबसे पहले आप लोगों को एक बॉक्स पाना जो होता है 26x27 का, वो लगाना पड़ता है, ओके। इससे आप लोगों को लगाकर ऐसे दबाकर खोलना पड़ता है, अगर नहीं खुलता है तो आप लोग थोड़ा सा ऐसा बॉक्स पाना लगाकर हल्का सा मुँह हाँ थोड़ा मारिएगा, कुछ नहीं होएगा, हल्का हल्का, फिर आप खोल सकते हो आराम से। तो सबसे पहले आप लोगों को ये खोलना है, तो यहाँ पे मुझे कुछ प्रॉब्लम पता चला है जो आप लोगों को शायद मैं कैमरा में दिखा नहीं सकता, कैसे दिखाऊं, एक मिनट में कुछ प्रोसेसिंग देखता हूँ। इसमें एक मुझे कचड़ा दिखा है, ओके, जिधर मैं पेच के दिखा रहा हूँ ना, शायद कैमरा में नहीं आ रहा है, उधर जो क्रॉस में है आप लोगों को दिखाने का मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि कचड़ा भी एक आ जाता है तो लीकेज होते रहता है। ये देख लीजिए, ये जो कचड़ा है ये कचड़ा आके एक जगह में रुक जाता है, तो इसके वजह से भी लीकेज होता है और भी बहुत सारा प्रॉब्लम चीज होता है जो उसमें दिखना पड़ता है। तो सबसे पहले एक चीज जो है, अगर कचड़ा आ जाता है तो लीकेज होता है, और इस सब उसके बाद आपको खोलना पड़ता है, ये जो आपका रिंग होता है ना, इनसाइड का रिंग जो होता है पीवीसी रिंग, इस सब आप लोगों को पेच किया मैं, इसमें खोलना पड़ता है, ईजिली खुल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ा सा दिक्कत होता है तो ऐसे दबाना है हल्का सा एक साइड, फिर आपके पास पोपट पाना या फिर पकड़ कुछ भी होएगा तो आप उसे पकड़ के टान लीजिएगा। मैं मतलब ये तो इजीली निकल गया, लेकिन आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, मतलब अगर टाइट लगे तो हल्का सा, ज़्यादा नहीं, नहीं तो टूट सकता है, वो बहुत ज़रूरी है, इसमें भी बिगड़ सकता है, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ बताऊँगा। ये हल्का सा ऐसा पकड़ना है फिर ऐसा निकालना है, ओके, बहुत ही सिंपल ही है और निकल जाएगा, इतना परेशानी नहीं है अगर टाइट पकड़ता है तो। उसके बाद क्या करना है, ये निकाल लेना है, उसके बाद अंदर का जो पूरा पार्ट्स है इनसाइड का जो सलिया होता है उसे आपको टान कर खींच कर निकाल लेना है, ओके। अभी मैं आप लोगों को इधर दिखा देता हूँ, देख लीजिए वो कचरा जो है उधर पड़ा हुआ है, देख लीजिए, और ये कचरा हमेशा उधर रह जाता है, तो बाद में जब आप प्रेस करते हो वो आपका गैप में आके बैठ जाता है, जो अभी मैं दिखाऊँगा किधर बैठता है, ओके। ये सलिया को आपको निकाल लेना है, उसके बाद क्या करना है, ये कचरा वचरा जो है सफाई कर दीजिएगा, पानी दे के वॉश करना है, और ये जो सिस्टम है ना, ये देख लीजिए, ये जो वाइसर है इधर आके आपका कचरा बैठ जाता है, देख लीजिए, ये जो है ये दोनों का वाइसर का बीच में आपका कचरा रुकता है, आकर पानी इधर से निकलता है, ये गैप होता है ऐसा पानी निकलता है और इधर आके कचरा बैठ जाता है, तो पानी हमेशा कंटिन्यू लीकेज होते रहता है और वो फिर कचरा नीचे नहीं जा पाता है, उधर ही रह जाता है, तो प्रॉब्लम होता है, ओके। ये चीज़ आप लोगों को समझना है। देखिए दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, ये सलिया जो है बाहर नहीं आता है, उसके वजह से भी लीकेज होता है, मतलब जब आप पुश कर देते हो बाद में सलिया बाहर नहीं आता है, वो भी रीज़न ये है, एक कचरा अटक जाता है तो बाहर नहीं आता है, और एक जो है ये सलिया का स्प्रिंग जो है आप में जो बाहर लगता है ये अगर सही होता है तो फिर भी नहीं आता है, तो अंदर जो है, और एक जो पीवीसी अभी खोला नहीं हूँ वो भी कचरा उधर रहता है, उसमें क्लीन करोगे उस सब तो आ जाएगा। तो चलिए वो भी देखते हैं क्लीन करके। सबसे पहले
अब क्या करते हैं, उस सब कचरा जो है मैं पहले निकाल लेता हूँ, सफाई कर लेता हूँ, फिर उसका इनसाइड पार्ट्स जो है और भी प्लास्टिक का, पीवीसी का वाइसर है, उस सब निकालता हूँ, फिर आप लोगों को बहुत सारा चीज़ लीकेज किस किस वजह से होता है वो बताऊँगा, ठीक है। ऐसा कचरा अगर रहता है तो ऑटोमेटिकली वो लीकेज हमेशा होते रहेगा और आप लोगों को पता नहीं चलेगा। ओके, अब इसमें क्या करना है, एक वाइसर है उसे निकालना है, तो चलिए वो वाइसर भी आप लोगों को निकाल के मैं दिखाता हूँ। देख लीजिए यहाँ पे और भी एक सिस्टम है जो लीकेज हो सकता है, इस सब चीज़ को आप लोगों को ध्यान देना है। ओके, अपर पार्ट्स चेंज करने में, मतलब इनसाइड पार्ट्स चेंज करने में जितना टाइम नहीं लगता है, रिपेयरिंग में बताने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए थोड़ा वीडियो बड़ा है। इसमें एक वाइसर है, ये वाइसर आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा और इसमें आप लोगों को देखना पड़ेगा जो ये आपका ख़राब तो नहीं हो चुका है, मतलब वाइसर खा तो नहीं चुका है या फिर पतला तो नहीं हो चुका है, ये आपको देखना पड़ेगा इसमें ध्यान से। ओके, और इसे आपको निकालना तो पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपको अंदर का पार्ट्स जो है पीवीसी वाला वो निकालने के लिए, ये अगर नहीं निकालोगे तो आपका निकलेगा नहीं। ओके, तो आपको इसे पेच के मैं ऐसे दबा के या फिर पतला चाकू होएगा तो आस्ते से धीरे से दबा के आपको ऐसे तिरछा कर देना है और निकाल लेना है। ओके, उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, देख लीजिए ये वाइसर ऐसे निकाल के आपको ये जो पीवीसी का जो लास्ट कवरिंग देख रहे हैं आप लोग, उसे निकालना है। कैसे, जो आपका सलिया है मेड्रोपोल का वो आपको लगाना है और इसे आपको उल्टा घुमाना है, सीधा नहीं, जैसे कि नल टाइट जिधर होता है उधर आपको घुमाना है तो ये खुलता है, ये सीधा साइड नहीं खुलता है, ये उल्टा साइड खुलता है, ऐसे जैसे कि मैं घुमा रहा हूँ, देख लीजिए जिधर टाइट होता है उधर ये करना है और ऐसे निकालना है। ओके, और इस सब को आपको क्या करना है, इस सब देखना है कहीं पर टूटा है या फिर कुछ हुआ है, जैसे मतलब है वैसे ही होना चाहिए, और उस सब वैसे ही रहेगा तो इस सब को आपको अच्छे से क्लीन करना है, जैसे कि इस सब में बहुत सारा कचरा है देख रहे हो आप, इस सब क्लीन करना है, कुछ टूटा तो नहीं है सब देखना है। और बाकी ये जो आप देख रहे हो इसे आपको पानी देकर एक बार वॉश कर दीजिएगा, क्योंकि पानी अगर दे के वॉश कर दोगे तो जो भी कचरा कहीं पर भी बैठा रहता है उस सब निकल जाता है। ओके, ये जो है आपका ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है, इस सब आप पहले वॉश कर लीजिए, अगर कुछ बिगड़ा नहीं है तो फिर आप लोगों को बहुत सारा चीज़ जो है इसमें आप लोगों को मैं बताता हूँ क्लीन करना है। और यहाँ पे जो आप जितना मटेरियल देख रहे हो, जितना जैसे कि दो तीन वाइसर है और एक पीवीसी रिंग है, ये जो वाइसर है देख लीजिए, सलिया, इस सब जो जंग है इस सब को आपको क्लीन करना है अच्छे से, इस सब प्रॉब्लम करता है, जब फ्लास करते हो तो रिटर्न जो रिवर्स आता है वो प्रॉब्लम करता है। ओके, इस सब आपको चेंज करना है, सबसे पहले सफाई करना है, सॉरी क्लीन करना है, उसके बाद ओके, इस सब मैं क्लीन कर लेता हूँ, फिर मैं फिटिंग कर लूँगा। यहाँ मैं आप लोगों को इस सब दिखा दिया क्योंकि इस सब के वजह से लीकेज नहीं हो रहा था, यहाँ पर कचड़े के वजह से लीकेज हो रहा था, ठीक है। तो इस सब चीज़ आप लोगों को ध्यान देना है अगर ऐसे होता है तो। सबसे पहले आपको जो वो प्लास्टिक का जो उल्टा थ्रेड घूम रहा है, टाइट हो रहा है, वो क्या चीज़ है आप लोगों को कमेंट में बताना है, मैं वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ। आप वो जो क्या काम में आता है, क्या चीज़ है, वो ज़रूर बताइएगा, अगर नहीं बता सकते हो तो वो भी पूछिए, मैं आप लोगों को रिप्लाई दूंगा। ओके, उसके मैटर में ज़रूर पूछिएगा क्योंकि वो बहुत काम का चीज़ है मेट्रोफोल के लिए। और बाकी इसके बाद वो लगाने के बाद आपका स्पिंडल जो है मेट्रोफोल का वो लगाना है, जो एडेप्टर बोलते हैं, उसके बाद जो है ये पीवीसी रिंग है इसे आपको लगाना है। और ये चीज़ को आपको ध्यान देना है क्योंकि ये अगर आपका कभी भी क्रेक हो सकता है, मतलब मेट्रोफोल यूज करते हो कचरा आता है कुछ आता है तो इसमें बैठने की वजह से, पानी का प्रेशर की वजह से ये क्रेक भी हो सकता है। तो आप जब भी रिपेयरिंग करने के लिए नट जो खोलते हो, ओके, इसे आपको अच्छे से ऐसे दबा के लगा देना है, ये जो नट है ये जब भी आप खोलते हो शुरुआत में तो आपको क्या करना है, उस टाइम ये खोल के आपको देखना है, पहले निकालना नहीं है, देखना है जो वो क्रेक हो चुका है क्या, अगर क्रेक है तो लीकेज 100% उधर से ही होते रहेगा, लीकेज कभी बंद नहीं होएगा, वो क्रेक हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद इस सब टाइट कर देना है अच्छे तरीके से, और बाकी जो नॉर्मल चीज़ है फिटिंग करने का उस सब चीज़ आप लोगों को पता है, जो मैं उतना बताने वाला नहीं हूँ, नॉर्मली आप लोगों को दिखा दूँगा, ठीक है। अच्छे से टाइट कर देना है और उसके बाद देखना है आपको लीकेज हो रहा है कि नहीं, या स्प्रिंग भी लगा चुका हूँ जो आपको दिखाना ज़रूरी नहीं है रिपेयरिंग में, ओके, गलत, ओके। उसके बाद आपको इस सब चीज़ लगाना है, अपर पार्ट्स जो भी है नीचे, बस इस सब लगाने के बाद आपको चेक करना है, जैसे कि मैं भी आपको दिखाता हूँ अभी, और लीकेज है कि नहीं, ओके। और हाँ, अगर आप लोगों को प्लम्बिंग के मैटर में कुछ भी सवाल करना है तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए उधर फॉलो करिए, उधर मैसेज करिए, ज़रूर आप लोगों को रिप्लाई दूंगा, उधर कॉल में भी बातें हो सकती है, उधर बातें भी करूँगा, ओके।
फिलहाल टैंक में पानी कम होने की वजह से मतलब प्रेशर कम हो रहा है, मतलब अभी अभी टैंक क्लीन किया हूँ, पूरा पानी भी खाली हो चुका है, तो इसके वजह से इधर थोड़ा सा पानी कम है। तो लीकेज जो है कम्प्लीटली बंद हो चुका है। और एक चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ, जो मेट्रोपोल है वो हर मेट्रोपोल रिपेयरिंग नहीं होता है, बहुत सारा मेट्रोपोल इनसाइड पार्ट्स पूरा बिगड़ हो चुका होता है, उसको जैसे पूरा आपको चेंज करना पड़ता है। ओके, और जिधर कुछ कचरा वचड़ा आता है या फिर वायसर आता है, उस सब आपको जाना पड़ेगा प्लम्बिंग शॉप में और लेना पड़ेगा, फिर रिपेयरिंग हो जाएगा, उतना बड़ा चीज। ओके, हाँ तो दोस्तों चेंज इसलिए नहीं करते, सबसे पहली बात है आमदनी अट्ठनी खर्च रुपया जो बोलते हैं। एक मेट्रोपोल रिपेयरिंग में जितना टाइम जाता है, जितना रिक्स होता है, मेट्रोपोल का जो इनसाइड पार्ट्स अगर न्यू लेकर आके लगाएंगे उतना टाइम नहीं जाएगा और ज़्यादा पैसा मिलेगा। अगर आप रिपेयरिंग करोगे तो उसमें टाइम ज़्यादा जाएगा लेकिन पैसा आपको नहीं मिलेगा। अक्सर बहुत सारे क्लाइंट ऐसा नहीं, जो मैं जो बोल रहा हूँ पूरा 100% सही है जी नहीं, बहुत जगह में ऐसा होता है, तो उन लोग ऐसे करते हैं क्योंकि क्लाइंट को देखते हैं ये अगर मैं यहाँ ऐसा करूँगा, अगर इसे रिपेयरिंग करूँगा तो मुझे मेरा मजदूरी नहीं मिलेगा, बोलेंगे क्या यार खोला और लगा दिया सफाई करके इतना पैसा, और जब उसे चेंज करके आप इतना बड़ा सामान पुराना वाला लेकर क्लाइंट के पास रख दोगे, लो साहब लो सर जी लो, तब वो बोलेंगे हाँ लड़का ने काम किया पैसा तो देना पड़ेगा। एक रीजन है, इसके वजह से बहुत जगह में चेंज कर देते हैं रिपेयरिंग नहीं करते। बाकी वीडियो में अगर आप लोगों को कुछ गलत लगता है तो जरूर आप लोगों की मैटर है, कुछ मैं बता नहीं सकता क्योंकि जो हकीकत है वही बताया हूँ। बाकी वीडियो अच्छा लगता है जरूर लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल, या फिर मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के साथ, आप लोगों के पास किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।